हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी वन डे वर्कशॉप के बारे में। अगर आप टैरो जानते हैं, टैरो करते हैं, टैरो रीडर हैं और आप जानना चाहते हैं उससे कि टैरो से किस तरह इनिशियल निकाला जाता है, चाहे वो फ्यूचर पार्टनर के लिए हो, चाहे वो किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कराया हो, नज़र हो किसी की, आप जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से, किस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में इशूज़ है, किसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो इनिशियल के थ्रू आप जान सकते हैं और उन लोगों से अपने कनेक्शन को कट कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू या फिर कनेक्शन कट करके, जैसा भी आप चाहें। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप जिस पार्टनर से के साथ कनेक्ट है इनिशियल के थ्रू, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसा पर्सन है, उसके साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो ज्वाइन करिए मेरा ये वन डे वर्कशॉप जो कि मैं जून के फर्स्ट वीक में लेकर आ रही हूँ। और 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के दिल की बात। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। तो जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ वो ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। सबसे पहले हम देखेंगे करंट फीलिंग कि अभी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, एंड 15 से 30 मई तक क्या रहने वाला है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। ठीक है, अभी आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी उलझन है, बहुत सारे सवाल है आपको लेकर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत गुस्सा है, ओवरथिंकिंग है। और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ऐसा क्यों है, या तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो उनकी अभी कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इस इंसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। मतलब इतना ज़्यादा उनको गुस्सा हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन के बिना मेरी लाइफ में शांति नहीं आ सकती, सुकून नहीं मिल सकता, मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, जो आपके साथ मैच करे वो आप ले सकते हैं। 15 से 30 मई तक क्या रहेगा, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर अग्रेसिव नेचर में दिख रहे हैं। वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ से इग्नोर हुआ जा रहा है, इसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से वो आपसे हो सकता है कुछ बातें ऐसी कह दे, कुछ गुस्सा हो जाए या कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से जो आपको अच्छा ना लगे। एंड पेशेंस कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, उन्होंने वेट किया है आपका कि आप आगे से उन्हें मैसेज करोगे, आप उनसे बात करोगे, लेकिन वो रेस्पॉन्स भी आपकी तरफ से उनको नहीं मिल पाता है। तो 15 से 30 मई को मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी कंप्लेन आपके पास आने वाली है, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर आपको बोलने वाले हैं, कंप्लेन करने वाले हैं, आपको कहने वाले हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी कोई भी बात सुन नहीं रहे हो। और ठंडा बोल्ट देखिए, बहुत नेगेटिव कार्ड्स यहाँ पर है। कुछ तो आप दोनों की लाइफ में चल रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपका डायरेक्शन बदल रहा है। एडवेंचर कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप एक नई लाइफ में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हो, नए पर्सन के साथ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी इस रिश्ते को लेकर दूर हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी इन 15 से 30 मई के बीच में हो सकती है। यहाँ पर कार्ड ये दिखाता है, अब ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है, जैसा कि मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है, पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है ये रिश्ता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए और कुछ टाइम के लिए आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मुझे एक न्यू लाइफ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है इंसान।
और हो सकता है आपके पार्टनर भी यहाँ से मूव ऑन कर नई लाइफ की तरफ बढ़े आगे, वो सोचे कि एक नई शुरुआत करनी है तो क्यों ना खुश होकर की जाए। तो यहाँ से मतलब थंडर बोल्ट से निकलकर आपके पार्टनर एक नई लाइफ की शुरुआत करते हुए भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। आप तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कि आपने शुरुआत कर दी है। एंड द बर्डन और अबंडेंस, ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यस, हो सकता है कि इसमें इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कम्युनिकेशन करने से भी मना कर देंगे 15 से 30 मई के बीच में। जो पार्टनर आपसे अभी चाह रहे हैं ना कि अभी आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, अभी आप उनसे बात करो, हो सकता है 15 से 30 मई के बीच में आपके पार्टनर आपसे बात करने को भी तैयार ना हो, वो आपसे कम्युनिकेट करना भी बंद कर दे, क्योंकि उनको लगे कि क्या पता आप उनसे ज़बरदस्ती बात कर रहे हो, आपका मन ही नहीं है। हो सकता है वो इस चीज़ों को पहले ही फील कर ले। 1 से 15 की रीडिंग आप देख सकते हो, उसमें आप क्लियर कर पाओगे कि शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब क्यों सहन करना है, आप अपनी लाइफ जीनी है। ये पर्सन आपके पार्टनर के मन में ये सेट हो सकता है कि आप बहुत रिजिड हैं, आप वो ही करेंगे जो आपको ठीक लगेगा। इंटेंसिटी कार्ड यहाँ पर कहता है कि यस, दोनों ही बहुत ही इमेच्योर बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ, प्लस दोनों ही एक अलग अलग अपने अपने रास्ते पे जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। एक कार्ड और यहाँ पर हम लेते हैं, एग्जिस्टेंस। यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको मैं ये कहूँगी, अगर आपको यहाँ पर ब्रेकअप करना है, अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेकर ब्लेसिंग्स देते हुए अपने पार्टनर को थैंक्स बोलते हुए जितना भी उन्होंने आपका साथ दिया, उसके बाद आप यहाँ से निकलिएगा। उससे क्या होगा कि आपके लाइफ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। 15 से 30 मई आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो यस, ये अगेन चिल्ड्रन कार्ड यहाँ पर आ रहा है। अट्रैक्शन, यस, चलिए एक स्टोरी के रूप में हम इसे जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि एक सॉलमेट कनेक्शन तुम्हारे साथ फील करने की, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, प्यार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो हमने इमैच्योरिटी में दोनों ने ही गलत की है, और उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए, हमें उन सिचुएशन को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे रास्ते एक ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एंगेजमेंट या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, एंड हो सकता है कि दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारा सोलमेट कनेक्शन था तो शायद इतना ही हमारा साथ था, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कार्ड्स हम यहाँ पर लेते हैं, और कार्ड्स हम यहाँ पर लेंगे कि 15 से 30 मई कैसा रहेगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स। कुंभ राशि, ओके, मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर पता है आपसे क्या कह के जाने वाले हैं यहाँ से, कि देखना तुम्हें मेरी वैल्यू मेरे जाने के बाद समझ आएगी। जब मैंने इतनी बातें तुम्हें कही, जब मैंने तुम्हें, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा किया है, तुम्हें हर तरह से सपोर्ट किया है, तुम्हें जब तुम बहुत मुश्किल में थे तो तुम्हें हील किया है, मीन्स एक शांति सुकून मैंने वो रिश्ता निभाया है, तो देखना तुम्हें मेरी वैल्यू, तुम्हें मेरी वर्थ उस वक्त समझ में आएगी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। सो इस मैसेज को याद रखिएगा, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहे। एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आना
हो सकता है 15 से 30 मई के बीच में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आपके सामने आ जाएगी कि आप उसका कोई भी हल नहीं निकाल पाओगे। इवन आप कह भी नहीं पाओगे अपने पार्टनर से कि क्या प्रॉब्लम आपको है। एंड आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसा आप भी चाहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आपको सिर्फ पीस शांति में रहना है और अच्छे समय का इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है। एंड आपके पार्टनर जो है वो भी थोड़ा सा हो सकता है रूडली आपके साथ बिहेव करें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो ऐसी है कि वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि वो आपके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते थे और आज उनकी वैल्यू क्या है, तो ये वो ज़रूर बताएंगे। एंड हो सकता है आपके पार्टनर भी एक अच्छी ग्रोथ के लिए आगे बढ़े, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें उन्हें अपने आप को ग्रो करने का मौका मिले। हो सकता है उनके करियर में उन्हें ग्रोथ मिल जाए सडनली, हो सकता है उनको भी लव लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, तो कुछ न्यू उनके साथ भी होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। परसेप्शन, ग्रेटिट्यूड, ओके। कुंभ राशि, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया बदलिए। अगर आपकी बातों से, अगर आपकी हरकतों से किसी को हर्ट हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए, एक बार उस इंसान को अपनी जगह रख कर देखिए। जो बात आप कह रहे हैं किसी से, एक बार सोच कर देखिए कि अगर उनकी जगह आपको वो बात कही जाती तो आपको कैसा लगता। तो अगर आप अपना सोचने का नज़रिया बदलते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत लोगों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए हो और शायद अपनी पॉजिटिविटी को भी आप अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और अपनी पॉजिटिविटी को भी बढ़ाओगे। ऐसा करके जो भी आपको मिलता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जो आपको मिला है आज तक उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड देते रहें। अगर आप ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे तो वो चीज़ें और आपकी लाइफ में मल्टीपल होती जाएगी। तो कोशिश करें कि ग्रेटिट्यूड जरूर दें। दूसरी बात, अपनी बुद्धि से काम लें। अगर आप किसी के कहे कहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी फ्रेंड ने समझा दिया, आपने कह दिया, आपने कर लिया, आपकी किसी नोन ने समझा दिया, आपने कर लिया, तो ये सब ना करें। वो सिर्फ आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ कैसे हैंडल करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो। आपकी लाइफ कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, उसमें जो सीन आया उस तरह आपने अपनी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में कर दिया, उसी तरह बिहेव कर दिया। ऐसा नहीं होता है, वो एक सीन है सिर्फ, और उसको वो रियल नहीं है। वो आपकी जो लाइफ है वो रियल है, उसमें आपको पता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। तो कोशिश करें पूरी तरह से सोच समझ कर और फिर अपनी लाइफ के डिसीजन लें, क्योंकि बार बार वो गलत डिसीजन लेने की वजह से हो सकता है आपको लाइफ में दुख मिलता है। तो यहाँ पे स्पेशली ये कहा जा रहा है कि अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करें, न तो किसी की बातों में आए और न ही कोई भी ऐसा सोच कर कि यस ये सिचुएशन ऐसी है तो मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, कि आपने मूवी में देखा या सीरियल में देखा, तो ऐसा मत करिए। आपकी रियल लाइफ है, उसको अच्छे से जीने की कोशिश करिए। ग्रिफ कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर पास्ट का कोई भी पेन है लाइफ में किसी भी तरह का, तो उसको इंस्टेंट हीलिंग करिए, उसको कट करिए अपनी लाइफ से, क्योंकि वो पेन आपको कभी भी, जब भी आपको वो पेन आता है तो उसी वक्त आपकी लाइफ में किसी भी तरह का दूसरा दुख भी आ सकता है, क्योंकि वो बार बार पेन आपको और ज़्यादा तकलीफ देता है। तो कोशिश करें अगर पास्ट के किसी भी तरह के पेन है, कोई भी मिस्टेक्स है, तो उसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से डिलीट करें। ग्रिफ है किसी भी तरह का जो आपको नहीं भुलाया जा रहा है, तो उसको भी डिलीट करें और अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।